बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ आपका दोस्त शमसुल हसन और मुझे आज शब बारात के हवाले से बात करनी है। हमें हर साल ये मैसेज आ रहे होते हैं कि आज मगफरत का दिन है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बेशक ये दिन मगफरत का है, बेशक ये बख्शिश मांगने का दिन है, बेशक ये नसीब बदलने का दिन है, लेकिन आए इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात है किसी से माफ़ी मांगना, बड़े आला ज़र्फ़ की बात है कि आप किसी से माफ़ी मांग लें, लेकिन इसके साथ साथ आएँ ये ऐद करते हैं कि हमें अगले साल किसी से माफ़ी नहीं मांगनी पड़े। आएँ ये ऐद करते हैं कि हमारे अल्फाज से किसी का दिल जो है ना वो ना टूटे। आएँ कि ऐसा ऐद करते हैं कि हमारे अमल से किसी का नुकसान ना हो। आएँ ये ऐद करते हैं कि हम किसी के फ़ायदे का बायस बनेंगे, किसी के नुकसान का नहीं। आएँ ये ऐद करते हैं कि ये जो वबा कोरोना वायरस यहाँ फैला हुआ है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, इससे लड़ने के लिए हम यकजा होंगे, और इस मुश्किल की वजह से अगर कोई गरीब मसकीन लोग भूखे हैं तो उन्हें हम खाना देंगे। आएँ ये अहद करते हैं कि हम इस वबा में, इस टेंशन में हम फिरकावारियत नहीं फैलाएंगे। आएँ ये अहद करते हैं कि हम अमन व इत्तेहाद का दरस देंगे। आएँ ये अहद करते हैं कि हम इत्तफाक को इत्तेहाद का दरस देंगे। आएँ ये ऐद करते हैं कि हम इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, दीन इस्लाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम आलिन अल्लाह।